किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। निमाटोड, जी हाँ, आज हम फिर बात करेंगे अमरूद की उस बीमारी की जिससे बहुत किसान परेशान हैं, और ये एक कैंसर की तरह बीमारी है जो बाग के बाग उजाड़ कर रख देती है। किसान साथियों, कुछ समय पहले तक निमाटोड का कोई इलाज नहीं था, लेकिन एक दवाई आई वेलम प्राइम, जिसका किसानों ने बहुत ही अच्छी तरह उपयोग किया और वो काफ़ी हद तक इसको रोकने में कामयाब रही। जो मुझे इनपुट मिलती है किसानों से, उसके अनुसार लगभग 80% से 90% तक लोगों को इसमें सफलता मिली। आज हम एक ऐसी ही और दवाई की बात करेंगे और उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी देंगे कि किस प्रकार एक किसान ने इस नई दवाई का प्रयोग किया, और इस दवाई के बारे में हमने आपको अपनी पहली वीडियो में। हम आपको मिलवाते हैं एक किसान से जिनका नाम है कैलाश मदारिया। कैलाश मदारिया जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और इनका फ़ोन नंबर मैं आपको वीडियो पर दे रहा हूं जो मैंने इनसे पूछकर डाला है। अगर आपको इस बात की सत्यता की जाँच करनी है तो आप इनके फार्म पर जाइए, इनके पौधों को देखिए। किसान साथियों, इन्होंने लगभग 4 साल पहले VNR बिही के 1000 पेड़ लगाए। तो ये रायपुर से VNR बिही अमरूद लाए थे, उनकी नर्सरी से वो पौध लगाई और पौधे बड़े अच्छे चल पड़े। किसान साथियों, 2 साल बाद इनके खेत में एक बीमारी आई। आइए वो बीमारी क्या है, इनके मुख सिरी से ही हम सुनते हैं। नमस्कार हमारे किसान भाइयों, मेरा VNR बिही 1 kg का प्लांट लगा हुआ है। VNR का इसके अंदर निमोटेड आ गया है। ये निमोटेड से पूरा पेड़ है जो पीला पड़ने लगा है, और लाल पत्तियां वो ऊपर से सूखने लग गया है। मैंने इसके अंदर वेलम प्राइम, नेमिड्स, ये 3-4 प्रकार की दवाइयां डाली है, लेकिन इनसे मेरे को कोई भी संतुष्ट नहीं हुई है, और जो पौधा है उसमें बिल्कुल सुधार तो नहीं दिख रहा है। अब लाया हूँ मैं अहमदाबाद से, हमारे एक दोस्त ने बताया था कि एक बार वो डाल के देख लो। तो अहमदाबाद से मैं लाया हूँ निमिट्स करके, वो मैं 5 लीटर लाया था। 1000 प्लांट में मैंने उसका उपयोग किया है आज ही। अब पता चलता है उससे क्या होता है, कि कुछ सुधार आता है या नहीं आता है, या वो भी ऐसा ही है। अगर सुधार आएगा तो मैं एक और वीडियो बना के आपको मेरे किसान भाइयों को भेजूंगा। किसान साथियों, अभी आपने देखा कि इनके पौधों की ये हालत कैसे हुई। इन्होंने स्वयं बताया कि मैंने इनमें 2 दवाइयों का प्रयोग किया, वेलम प्राइम और निमिट्स, जो अदामा की आती है, और जो मेरी पुस्तक निमाटोड पर है उसके भाग 3 में मैंने इसका जिक्र भी किया है। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दवाई 100% सक्सेसफुल है। अब इन्होंने क्या किया, जब ये परेशान हो गए और इन्हें दिखने लगा कि इनका बाग ख़त्म हो रहा है, तो किसी भाई ने इनको बताया कि अहमदाबाद में एक बायोटेक की लैब है, और वो एक दवाई बनाते हैं जिसका नाम है निस्टोड। जी हाँ, निस्टोड। किसान साथियों, जब इनको लगा कि पेड़ तो मर ही रहे हैं, मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ, ये पहुँचे अहमदाबाद और इन्होंने निस्टोड लिया और उसको अप्लाई किया। अब मैं ये बताता हूँ कि इन्होंने इस दवाई की कितनी मात्रा डाली। इन्होंने वहाँ से 5 लीटर निस्टोड लाए। 5 लीटर की कॉस्ट उनकी लगभग 4500 रुपये आती है। उस दवाई को इन्होंने 1000 लीटर पानी में घोला, जो 5 लीटर दवाई थी, और उसको प्रत्येक पौधे में,
उसके आसपास पहले नमी बनाई और प्रत्येक पौधे की जड़ में केवल 1 लीटर इन्होंने दवाई दी। उस दवाई के बाद इन्होंने ड्रिप से उसमें पानी दिया और पानी देने से वो दवाई की मात्रा पूरी तरह जड़ों तक चली गई। किसान साथियों, इसका इन्हें चमत्कारिक परिणाम मिला। इनके पौधे फिर से हरे भरे होने लगे और इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। आइए हम देखते हैं अब इस वीडियो को। नमस्कार किसान मित्रों, मैं राजोसी कैलाश मदारिया, ये मेरा बगीचा है वीएनआर भी का। इसके अंदर अभी 2 साल पहले निमोटेर आ गया था, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बिगड़ गई थी और सुधरने का कोई नाम ही नहीं था। इसके अंदर हमने वेलम प्राइम डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। निमोटो बाग से डाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमको एक अहमदाबाद कंपनी का पता चला, वहाँ पे गए थे, वहीं से हम एक प्रोजेक्ट लाए। मेरे पास 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे में मैंने 4 बीघे के बगीचे में 5 लीटर दवाई डाली। मानो कि कोई जादू सा हो गया और 1 महीने के अंदर उसकी कंडीशन एक टॉप बन गई और आज आप देख रहे हो इतनी अच्छी कंडीशन हो गई है कि एक नंबर कंडीशन पे है। उस दवाई का नाम निस्टोड के नाम करके आती है और बेहतरीन रिजल्ट है। मैं कोई दवाई कंपनी से नहीं हूँ और ना ही मेरे को किस दवाई कंपनी से कोई मतलब है। मेरे को जिस चीज़ से फ़ायदा हुआ मैं वो चीज़ अभी सब किसान भाइयों को बता रहा हूँ। और जिस किसी भाई को निमोटेट की शिकायत है वो दूसरा प्रोजेक्ट अपनाने की बजाय ये प्रोजेक्ट अपनाए। इससे आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, बहुत ही बेहतरीन पौधे बनेंगे। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। किसान साथियों, अभी आपने देखा कि दवाई लगाने के बाद इसका क्या रिजल्ट हुआ। सभी पौधे चल पड़े और सभी पौधे स्वस्थ हो गए। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि इसका प्रमाण दे रहा हूँ कि एक नई दवाई आई है जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में भी आपके जिक्र किया था और एक किसान के पौधे सही हुए थे वो बताया था। ये हैं दूसरे किसान, इन्होंने इस दवाई का प्रयोग किया और ये दवाई वेलम प्राइम से लगभग 80% सस्ती है। आप देखिए वेलम प्राइम 8000 रुपये लीटर आती है और ये आपकी दवाई जो है 930 रुपये लीटर है। निर्णय आपको लेना है, अगर आपको लग गया तो इस दवाई को अवश्य आजमाएं। किसान भाइयों, ये किसी दवाई का प्रचार नहीं है। वेलम प्राइम का भी मैंने दिखाया और इसका भी दिखा रहा हूँ, इसीलिए ये निर्णय आपको लेना है। किसान साथियों, ये जो हमने दवाई दी है, अब हमें ये दवाई क्या हमेशा के लिए निमाटोड से छुटकारा हो गया या हमें ये दवाई दोबारा देनी पड़ेगी? अगर दोबारा देनी पड़ेगी तो कब देनी पड़ेगी और कितनी मात्रा में देनी पड़ेगी? यानी कि हमें अगर प्रत्येक वर्ष देनी है या 6 महीने में देनी है तो कितनी मात्रा देनी पड़ेगी और नहीं देनी? किसान साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं ये बात नहीं बता सकता, तो मैं पहुंचा तुषार भाई के पास, जिनकी जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं और जिनकी अहमदाबाद में लैब है। आइए उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। किसान मित्रों, उस दिन पहले हम अमेजिंग किसान के चैनल पर मिले थे
तब हमने बात की थी हम किस तरह से अनार और अमरूद जैसे हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है उसमें निमेटोड और फंगल का जो इन्फेक्शन लगता है उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं उसका सैंपल का, और किस तरह से फार्मर को उसका सैंपल एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट देते हैं और उसका एंटीडोज सजेस्ट करते हैं। कुछ फार्मर के सैंपल मिले हम उसका एनालिसिस भी किया और उसको रिपोर्ट भी सबमिट किया है। और तब हमने बात की थी कि जो निमेटोड का इन्फेक्शन आ रहा है उसमें निस्टोड का अच्छा सा रिजल्ट मिल रहा है, उसका फीडबैक अच्छा रहा है फार्मर के हिसाब से, फार्मर के यहाँ से, और रिपीट भी हो रहा है फार्मर। तो ये सुनने के बाद कुछ फार्मर के क्वेश्चन आए कि वो लोग दूसरी सब दवाइयाँ डाल रहे हैं तो उसके सामने निस्टोर का अगर हम कंपैरिजन करें तो निस्टोर की असर देने के बाद सॉइल में देने के बाद कितने टाइम तक रहेगी। तो उसमें किसान साथियों ये है कि आपकी सॉइल की जो कंडीशन है अगर ज्यादा सैंडी सॉइल है तो जल्दी लीच आउट हो जाएगा, फिर निस्टोर नहीं कोई भी केमिकल या तो फर्टिलाइजर पकड़िए तो जल्दी लीच आउट हो जाएगा, तो उसको बार बार यूज करना पड़ेगा। दूसरा अगर ज्यादा ब्लैक सॉइल है, सॉइल में चिकनापन ज्यादा है, तो इसको रिपीटेशन का डोज का जो पीरियड है वो लॉन्ग चला जाएगा, लंबा चला जाएगा, क्योंकि चिकनापन की वजह से सॉइल इसको पकड़ के रखेगी जो भी मटेरियल हम डाल रहे हैं निस्टोर या तो कोई भी फर्टिलाइजर या केमिकल, तो उसके हिसाब से उसको बार बार देना नहीं पड़ेगा, उसकी असर लॉन्ग टाइम तक रहेगी और निमेटोड के साथ सामने फाइट करेगा। एक फार्मर है एमपी से, कैलाश भाई मदारिया करके, उनसे हमारी कल बात हुई, उन्होंने एक साल पहले निस्टोर का यूज किया था और कल बात हुई तो बोल रहे वो कि 200 प्लांट में हमने 1 लीटर के हिसाब से डाला है मगर एक साल में एक ही बार डाला है फिर भी हमको रिजल्ट मिल गया है, आज की डेट में उनके फार्म में निमेटोड का इन्फेक्शन नहीं है। अगर निमेटोड का इन्फेक्शन नहीं है या तो चला गया तो आप साल में 1 से 2 बार इसका रिपीट यूज कर सकते हो, और निमेटोड ना आए उसके हिसाब से इसका एंटीडोज बनाकर आप साल में 1 से 2 बार इसका यूज कर। किसान साथियों हमारे यहाँ पर अनार का प्लांटेशन ज्यादा है पोमोग्रेनेट का, और उसमें जिस फील्ड में निमेटोड का इन्फेक्शन है उसमें हम साल में 3 बार निस्टोर का यूज करवाते हैं। पहली बार जब डोज देते हैं वो डोज देते हैं जब फ्लावरिंग स्टार्टिंग होती है, फ्लावरिंग सेटिंग होती है तब। दूसरा डोज देते हैं जब फ्रूट लगने शुरू होते हैं तब, और तीसरा डोज देते हैं फ्लावर जब फ्रूट हार्वेस्टिंग होने वाले हैं उससे 1 से 1.5 महीना पहले, क्योंकि तब प्लांट को ज्यादा फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है। फ्रूट सेटिंग के हिसाब से फ्रूट में कलर आना चाहिए, साइनिंग आनी चाहिए, फ्रूट बड़ा होना चाहिए, 250 से 300 ग्राम मेंटेन करना है सब फार्मर को फ्रूट, तो उस टाइम ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत रहती है और फार्मर सब जगह पर ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं। तो उस टाइम में अगर रूट हेल्दी नहीं है तो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स जो हमने डाले हैं वो प्लांट ले नहीं पाएगा, तो उस टाइम अगर निमेटोड का इन्फेक्शन लग गया तो ये सब प्रॉब्लम आएंगे। तो निमेटोड का इन्फेक्शन ना लगे या तो लगा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको जो थर्ड स्टेज है अनार में हार्वेस्टिंग का उससे 1.5 महीने पहले हम निस्टोर का यूज करवाते हैं फार्मर को, और फार्मर जब तीसरा डोज तब देते हैं तो उसकी क्वालिटी, फ्रूट की साइज, शेप सब मैटर रहते हैं। तो उसी हिसाब से अमरूद में भी जो फार्मर के यहाँ पर निमेटोड का इन्फेक्शन है वो उसके हिसाब से उसका डोज फाइनल करके एक शेड्यूल सेट करके। किसान साथियों अभी आपने तुषार भाई को सुना और उन्होंने ये सच्ची बात बताई कि अमरूद के उनके पास अभी तक बहुत ज़्यादा किसान नहीं है कि वो अनार की निमाटोड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और जो उन्होंने किया वो आप सबको बताया, इसी को आधार बनाकर आप साल में एक बार कम से कम पहले 2-3 साल पूरे बाग में ये दवाई अवश्य लगाएं और देखें उसके क्या परिणाम होते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।